hello friends how are you all i hope you are doing well i'm monica and i welcome to you all in my channel simplify your learning where i try to make your learning easy and interesting okay so here i'm back with the next chapter food where does it come from this is first part and what we are going to discuss in this chapter the topics are food what is food next why do we need food Variety of food, food materials and their sources, plants, parts, and animal products as food, and what do animals eat. So, these are the topics which we are going to cover in the chapter. One by one and uh, video by video, I will cover all the topics. So, here we go. Yes, so food. वॉट इज दिस फूड ना यम्मी मुंह में पानी आया डेफिनेटली आया होगा आई ऑल्सो लाइक फूड अलॉट आई एम फूडी एंड आई नो यू आर ऑल्सो फूडी एंड आप आपको भी फूड बहुत पसंद है अच्छा कौन कौन से फूड पसंद है पिज्जा वेजिटेबल्स वेरी हेल्दी ट्रू वेरी गुड बर्गर वेरी यम्मी सो वॉट इज फूड दीज ऑल आर वॉट फूड ओके okay? जो भी हमने अभी देखा ये सब क्या थे फूड थे ना अच्छा ये तो हमने देखा कि ये फूड है बट एक्चुअल में अगर हम डेफिनेशन देना चाहेंगे फूड की तो हम क्या देंगे तो कुछ नहीं है सिंपल फूड इज एनीथिंग विच वी हैव हैव और ईट बोथ वी कैन यूज ठीक है सो जो भी हम खाते हैं सरवाइव करने के लिए ठीक है या कोई भी समथिंग दैट पीपल एंड एनिमल ईट टू कीप दैम अलाइफ अगर हमें जिंदा रहना है या एनिमल्स को भी अगर जिंदा रहना है फूड okay? so है? है ठीक है जैसे कि राइस है चपाती है करी है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है चीज ब्रेड मिल्क ये सब क्या है दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड्स दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड्स अभी हमने इतने सारे फूड्स देखे थे ना ठीक है तो फूड्स क्या होते हैं फूड या हम बोल फूड्स नहीं बोलेंगे फूड के बारे में बात करें तो फूड क्या होता है जो भी हम सरवाइव करने के लिए खाते हैं या जो भी जितने भी एनिमल प्लांट्स और पीपल जितने भी वो सरवाइव करने के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो खाते हैं वो सब क्या होते हैं फूड ठीक है ओके नाउ okay. अब आपको एक बात बताती हूँ आटे से आप क्या बनाते हो चपाती बनाते हो ठीक है बट आटे को अगर आप चाहते हो कि ये आटा बने तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली सूखा आटा चाहिए और पानी भी चाहिए ठीक है तो इन दोनों से मिलके आटे और इस तरह से ये जो ड्राई हमारे पास फ्लर होता है उससे और इस वॉटर को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं वी नीड द डो ठीक है सेकेंड अब हमें दाल बनानी है so, सो हमें क्या, क्या क्या चाहिए होगा दाल चाहिए होगा उसके लिए ऑनियन चाहिए होंगे टोमेटोस चिली एंड ऑल द स्पाइसेस कोरिएंडर वाटर ऑल आर ये जो हमने अभी देखे ये सारे क्या है ये ये वाटर है ये ड्राई जो फ्लर है वो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब क्या है इंग्रेडिएंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स मीन्स जिनसे मिलकर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एनी सबस्टांस और मटीरियल टू प्रोड्यूस मतलब हम कुछ भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती अभी हमने हमें क्या किया आटे को डो को नीट किया तो डो बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी हमें जरूरत पड़ी पानी की और ड्राई फ्लोर की ओके सो दर एंड ड्राई फ्लोर इज वॉट इनग्रीडियंट ओके सेकेंड थिंग वॉट

अब यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए थे जैसे कि आटे का एग्जाम्पल लिया था ठीक है तो हमें डो बनाने के लिए क्या जरूरत होती है आटे और पानी की और चपाती बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है आटे की पानी की ठीक है इसे मिक्स करके हम डो बनाते हैं और डो से क्या बनाते हैं चपाती बनाते हैं ठीक है फिर हमें दाल बनानी है तो हमें पल्स पल्सेस चाहिए वाटर चाहिए सॉल्ट चाहिए ऑयल घी स्पाइसेस मींस ऑल आर दी इंग्रेडिएंट्स ठीक है अब आपको क्लियर हुआ इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जिस भी चीज को बनाने के लिए या डिश को बनाने के लिए हमें जितने डिफरेंट डिफरेंट सब्सट की जरूरत होती है तो इन सारे substances को हम क्या बोलते हैं okay? अब चलो हमें ये तो पता लग गया कि हमें फूड क्या होता है और हमने फूड खा भी लिया ठीक है बट वाई वाई वी फूड क्यों खाते हैं हम फूड तो देखो हम बहुत सारे काम करते हैं ना देखो कितने सारे काम करते हैं हम एक्सरसाइज हम, करते हैं खेलते हैं पढ़ाई करते हैं झूला झूल रहे हैं देखो ये ट्रेन चला रहा है हम सोचते भी हैं ठीक है और नाना और सोना जितने भी काम आप करते हो अपने पूरे दिन में इन सब कामों को करने के लिए आपको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए ना एनर्जी के बिना ये सब काम कैसे करोगे नहीं कर सकते ना आप ये सब काम तो ये सब काम करने के लिए आपको क्या चाहिए एनर्जी ठीक है प्लस ये सब काम करने के लिए आपका हेल्दी रहना भी जरूरी है ठीक है तो ये हेल्दी रखना आपको आपको एनर्जी देना आपके बॉडी में अगर कोई टिश्यू है वो ब्रेक हो गया तो उसे उसे रिपेयर करना ये सारे काम कौन करेगा ये सारे काम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स करेंगे जो हमें किससे मिलते हैं फूड से ठीक है तो अल्टीमेटली फूड हमें क्या देता है फूड किसके लिए जरूरी है फूड हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है ठीक है ये क्या देता है हमें एनर्जी देता है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं ठीक है फूड क्या करता है रिपेयर करता है और रिप्लेस करता है किसको जो डैमेज टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अच्छा हमारी चोट लग जाती है तो आपने देखा नहीं कि चोट थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है अपने आप होती है ना हाँ आप मेडिसिन यूज करते हो बट जो अगर कहीं मान लो आपने देखा कहीं वन हो गया ठीक है कहीं आपका जो ब्लड क्लॉट हो गया या कहीं आपकी स्किन थोड़ी सी खिंच गई है रफ हो गई है तो आ, आप उस पर क्रीम अप्लाई कर रहे हो बट क्रीम अप्लाई करने के साथ साथ जो आपके बॉडी के टिश्यूज है वो भी तो बन रहे हैं ना तभी तो आपका वो रिपेयर हो रहा है ठीक है तो वो क्यों हो रहा है क्योंकि आपने फूड लिया फूड में वाइटामिन भी है प्रोटीन भी है कार्बोहाइड्रेट भी है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स uh, होते हैं जो हमें फ्रूट से मिल uh, फ्रूट से मिलते हैं तो ये सब क्या करते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करते हैं गॉट इट फिर हमें ये क्या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फूड ठीक है जितनी भी डिजीज होती है जितने भी इंफेक्शन होते हैं जितने भी इंफेक्शन होते हैं ना हमारे आसपास कितने सारे इंफेक्शन होते हैं ठीक है थीके? कितने सारे मॉस्किटो डर्टी वॉटर तो इनमें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया uh, कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंफेक्शन कर सकते हैं ठीक है थीके? तो फूड हमें क्या करता है स्ट्रॉन्ग बनाता है ठीक है क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से तो अब आपको पता लगा कि आप फूड क्यों खाते हो ठीक है क्यों लेते हो आप फूड जरूरत पता लगी ना आप सब खाना खाएंगे ना टाइम से यस आई नो आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप सब खाना खाओगे तो फूड किस किस के लिए जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए फूड हमें एनर्जी देता है फूड हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करता है अगर कोई बिल्कुल ही खराब हो गया रिपेयर नहीं हो सकता तो उसे रिप्लेस करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें अल्टीमेटली क्या देता है गुड हेल्थ देता है ठीक है तो इसलिए हम फूड फूड को लेते हैं ठीक है ओके नाउ वेराइटी ऑफ फूड अब आप अच्छा आपने कभी नोटिस किया है आज आपने क्या खाया मान लो अच्छा आप कमेंट करके बताना आपने क्या खाया बट मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ कि आज आपने दाल खाई ठीक है कल भी आपको दाल रख दी शाम को भी आपको दाल खिला दी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन क्या अच्छा लगेगा आपको नहीं लगेगा ना आप क्या सोचोगे कि नहीं मुझे आज दाल मिली है तो कल कड़ी मिलनी चाहिए परसों राजमा मिलना चाहिए मीन्स व्हाट यू वॉन्ट यू वॉन्ट वेराइटी इन फूड वेरायटी चाहिए ना आपको फूड में तो आपको देखो कितने सारे टाइप के फूड्स हैं दिख रहे हैं कितने सारे टाइप के फूड्स हैं रायता है राइस है पकौड़ी है दाल है सो मेनी फूड्स आदे हैं एंड एज वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में तो कितने सारे टाइप के फूड्स मिलते हैं अलग 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 स्टेट में अलग अलग हिमाचल में कैसा फूड राजस्थान में कैसा फूड एम में कैसा फूड त्रिपुरा में जम्मू कश्मीर में कर्नाटका में सिक्किम में सो so हम अलग अलग स्टेट में बहुत सारे टाइप के फूड मिलते हैं तो ये सब क्या है वेराइटी ऑफ फूड्स है अब ये हमें मिलते कहाँ से हैं सो हमें जो फूड मटेरियल्स मिलते हैं वो फूड मटेरियल्स में दो तरह से मिलते हैं एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल जितने भी फूड हम लेते हैं वो सारे फूड हमें दो सोर्सेस से मिलते हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं प्लांट और एनिमल अब प्लांट से मिलने वाले फूड कौन से होते हैं एनिमल से मिलने वाले फूड कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है अभी तक आपको समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है देन लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ओके सो so, अब प्लांट्स और से हमें क्या क्या मिलता है प्लांट्स हमें क्या मिलती ठीक है सीरियल मिलते हैं पल्सिस मिलती है वेजिटेबल्स मिलते हैं फ्रूट्स बेवरेजेस स्पाइस ऑयल शुगर ये सब कहा से मिलते हैं ये सब मिलते हैं हमें प्लांट से ठीक है तो प्लांट से हमें क्या क्या मिला प्लांट्स हमें ये सारे फूड्स मिले ठीक है ये देखो कितने सारे वेजिटेबल है फ्रूट्स है और ग्रेन uh, है ये सब हमें कहा से मिले प्लांट्स है अब हम एनिमल के पास जाए एनिमल से भी हमें बहुत कुछ मिलता है जैसे कि मीट है चिकन है फिश है चीज है एग्स है मिल्क है ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है ये सारी चीजें हमें मिलती है एनिमल से ठीक है तो यानी कि हमारे पास जो फूड है उसके सोर्सेस दो टाइप के हो गए एनिमल आ, एनिमल इज आल्सो अ सोर्स ऑफ फूड एंड प्लांट प्लांट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ फूड ठीक है अब आपको पता लगा ना कि प्लांट्स और एनिमल हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है ठीक है सो सो आर 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 वेरी इंपॉर्टेंट अब आपको पता लगा कि प्लांट और एनिमल्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा क्या हम दोबारा रिवाइज कर दें एक बार दोबारा रिवाइज करें ठीक है आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आज हमने पहला सबसे पहले पढ़ा कि फूड क्या होता है ठीक है फूड क्या होता है जो हम खाते हैं सरवाइव करने के लिए यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए ठीक है टू अस अलाइव ठीक है अब इसमें हम ही नहीं आते, एनिमल्स प्लांट uh, देखो प्लांट भी खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को वो हम आगे डिस्कस करेंगे नॉट टू वरी अबाउट दैट ठीक है एनिमल भी खाना खाते हैं ठीक है तो ये फूड जो होता है वो क्या करता है दे मेक अलाइव ठीक है अब हम फूड क्यों खाते हैं तो उसके लिए हमने बोला था कि फूड हमें एनर्जी देते हैं फूड हमें क्या गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें हमें कौन कौन ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है फूड से ठीक है अब फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं ठीक है ठीके? तो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं ठीक है तो प्लांट वाले फूड कौन कौन से होते हैं जैसे कि सीरियल्स है वेजिटेबल फ्रूट्स ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है प्लांट से एनिमल से हमें क्या क्या मिला एज यू कैन सी कि हमें एनिमल से मिल्क मिलता है चीज मीट फिश चिकन ये सारे कहां से मिलते हैं एनिमल से तो आज के लिए इतना ही अब आप इसको रिवाइज करना एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ़ दिस चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो सब कुछ समझ में आया हो तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टिल देन थैंक यू एंड बाय